नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पानी डालकर बुझाया। आग लगने के कारण की जानकारी नहीं हो पाई। कन्नौज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी साइड तिरवा क्रॉसिंग के पास रेल पटरियों के बीच आग की लपटें उठते देख हड़कंप मच गया। आनंद फानन इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घास और झाड़ियों में लगी आग को बुझाया। रेलवे ट्रैक पर लगी आग धीरे धीरे बढ़ रही थी और कई मीटर की दूरी तक आग ट्रैक पर फैलती जा रही थी। चल रही हवाओं के झोंकों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर समय पर आग न बुझाई जाती तो किसी बड़े नुकसान की आशंका हो सकती थी, क्योंकि रेलवे लाइन के करीब से ही जीटी रोड गुजर रही है, जिस पर सैकड़ों वाहन रोज गुजरते हैं। वहीं आग कैसे लगी अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। दमकल कर्मी महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्नौज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी साइड में आग लगी हुई है, पास में ही जीटी रोड भी है। चिंगारी को देखते हुए गर्मी का समय, हवा चल रही है, कहीं कोई चिंगारी किसी प्रकार का नुकसान न कर दे, इसलिए उसे टाइम से आकर बुझा दिया गया है, जिससे कोई खतरा ना हो पाए। पटरियों के नीचे जो साइड में घास होती है, पटरियों को कोई नुकसान नहीं है। बहुत हल्की सी घास थी, बहुत हल्की आग है, लेकिन आगे के खतरे को देखते हुए ये हुआ कि इसे टाइम से बुझा दिया जाए, ताकि कोई विषम परिस्थिति ना पैदा हो। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे।